हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निता। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होते हैं, उसका हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, तो हाउ टू प्रिपेयर अ सॉइल, तो उसको हमने पूरा का पूरा देखा था कि हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिसको यूज करके हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सेकेंड प्रैक्टिस पढ़ेंगे विच इज सोइंग। जैसे कि सॉइल को प्रिपेयर करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से जो सोइंग होता है, सोइंग ऑफ सीड्स, तो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम सो नहीं करेंगे सीड्स को, हम जब तक सॉइल में नहीं डालेंगे तब तक कोई भी प्लांट्स या फिर जो कह लो कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो तो करेंगे नहीं, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। तो इसमें हमें बेसिकली देखना होता है कि हम किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके सोइंग करें और कौन कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें सबसे पहले जो हम सोइंग करते हैं सीड्स की, तो वो हमें देखना होता है कि जो हमारे सीड्स होते हैं वो हेल्दी सीड्स हैं भी या फिर हेल्दी नहीं है। तो उसको हम लोग चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर जो हमारे पास सीड्स है ना, तो उसको हम कुछ टाइम के लिए एक वेसल ले लें, वेसल में हम पानी डाल करके और जो सीड्स हैं वो कुछ टाइम के लिए अगर हम रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कुछ सीड्स क्या है ना, ऊपर ही फ्लोट करने लगे और कुछ सिंक कर गए, नीचे डूब गए। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी अंदर से खाली है या तो फिर बहुत सारे कीड़े वगैरह लग जाते हैं कभी कभी सीड्स में, तो अंदर से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी सीड्स हैं वो सारे के सारे ऊपर पानी में फ्लोट करने लगेंगे, और मतलब कि वैसे भी वैसे सीड्स हैं, अगर हम उसको सो भी करेंगे तो क्या होगा, तो उससे हमारे प्लांट्स या तो फिर ग्रो नहीं करेंगे या फिर ग्रो करेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम उनको फिर अलग कर देते हैं, और जो सिंक कर जाते हैं पानी में नीचे चले जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वही वाले जो सीड्स हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं सोइंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, कि एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है ये वाली, जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे सीड्स हैं वो हेल्दी हैं भी या फिर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था कि हमने अलग अलग टूल्स यूज़ किए थे, हम जो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जो उसकी हम लोग टिलिंग करते हैं उसके लिए, उसी तरीके से जो हम सोइंग करते हैं सोइंग में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल मतलब कि जो सबसे पहले से पुराने टाइम से चला आ रहा है, जब से हमारे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है तब से हमारा जो टूल स्टार्ट हुआ है, तो उसमें नॉर्मली जो प्लाव होते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, प्लाव से हम लोग क्या करते हैं सॉइल की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो प्लाव होते हैं उनके साथ ही कुछ इस टाइप से एक फनल टाइप का होता है ये, और कुछ इस टाइप से हम प्लाव के साथ ही इसको अटैच कर देते हैं, और इसमें ना दो तीन बीच में पाइप्स होते हैं, मतलब एक नहीं होता, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कुछ इस टाइप से पाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब हम इसको प्लाव के साथ में अटैच करते हैं, तो एक तो क्या हो रहा है कि प्लाव जो है उसको हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इसमें जब हम इसमें सीड्स डालेंगे ना, तो सीड्स डालेंगे तो ये जो टिलिंग कर रहे हैं, टिलिंग के साथ साथ ये सीड्स सारे के सारे जो हमारी सॉइल है उसमें जाते रहते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे सॉइल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ ज़रूरी तो नहीं मैं हाथ से ही हम लोग जो सीड्स हैं वो अंदर उसको डालें जितने भी सॉइल्स हैं। तो उसके लिए हम लोग इस फनल टाइप का एक स्टूल होता है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो इससे क्या जो भी सीड्स हैं वो आराम से चले जाते हैं सॉइल के अंदर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे क्या आती है कि जब हम इसके थ्रू जो सीड्स डालेंगे ना सॉइल में, वो बिल्कुल नीचे तक नहीं जाते, पेनेट्रेट नहीं होते, बिल्कुल नीचे तक नहीं जाते, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर ऊपर रह जाते हैं सीड्स, तो आधे सीड्स तो जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया वगैरह होती है ना, वो सब चीज़ वो आधे सीड्स खा लेती हैं, बाकी जो आधे बचते हैं वो कुछ तो नीचे जाते हैं, कुछ ऊपर ही रह जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट्स जितने हमने सीड्स डाले उसके अकॉर्डिंग उतने प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो ये थोड़ा सा मेथड जो ऐसा है कि है तो बहुत ट्रेडिशनल पुराना मेथड है, लेकिन क्या है इसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए क्या हुआ है, नेक्स्ट एक टूल यूज में आजकल हम लोग लेते हैं विच इज सीड ड्रिल।
सीट ड्रिल जो होता है ना हमारा, तो सीट ड्रिल में नॉर्मली बेसिकली क्या होता है कि इस टाइप के, आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ इस टाइप के ड्रिल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये पीछे हम लोग ट्रैक्टर से अटैच कर देते हैं और ये क्या है, एक रेगुलर डिस्टेंस पर होते हैं जो ड्रिल्स होते हैं ना, ये रेगुलर इंटरवल कह लो कि एक डिस्टेंस पर होते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम इसमें ऊपर सीट्स डालते हैं ना, तो यहाँ से सीट्स जाएंगे और इन सब में ड्रिल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और एक रेगुलर जो डिस्टेंस होगी, मतलब एक सीट अगर यहाँ पर गया है तो दूसरा सीट यहाँ पर गया है, तीसरा सीट यहाँ पर गया है, चौथा सीट यहाँ पर गया है, तो डिस्टेंस पहली बात तो इसमें थोड़ी थोड़ी एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पर ही सीट्स अंदर जाएंगे। दूसरी चीज, बिल्कुल अंदर तक चले जाते हैं ये जो ड्रिल्स होते हैं ना, ये सॉइल में अंदर तक जाते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे सीड्स होंगे वो बिल्कुल अंदर तक जाने के बाद में ऊपर नहीं आएंगे और अंदर ही उनका जो ग्रो होंगे वो अच्छे से ग्रो होंगे और ऊपर जो बर्ड्स वगैरह जो खा जाते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, उनका भी खतरा खत्म हो जाएगा, है ना। अब वहाँ जो पुराना वाला मेथड था उसमें ये भी प्रॉब्लम रहती थी कि वो ना क्या होता था वहाँ पर कि जितने भी सीड्स होते थे, मान लो एक जगह पे बहुत सारे इस तरीके से सीड्स आ गए, कहीं पर एक आया, कहीं पे एक साथ बहुत सारे आ गए, तो जहाँ पर एक साथ बहुत सारे सीड्स चले गए वहाँ पर क्या होगा, एक साथ चार पांच प्लांट्स उग जाएंगे। अब क्या है, एक साथ उनको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम लोगों ने पढ़ी थी ना ये चीज़ कि भाई प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो ठीक से एक जगह पे चार पांच अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, तो उनको हटाना पड़ता है कि भाई अच्छे से कम एक प्लांट तो ग्रो करे, बाकी दो तीन जो प्लांट्स हैं उनको एक्स्ट्रा जो ग्रो करें उनको हटाना पड़ता है। तो इस तरीके से एक डिस्टेंस में भी नहीं होते कि भाई यहाँ पे एक जगह ज़्यादा हो गए, एक जगह कम हो गए, कहीं पर बिल्कुल भी सीड्स नहीं गए तो वहाँ पर बिल्कुल भी प्लांट नहीं गए, तो वो वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी उसको भी ओवरकम करता है ये जो सीड ड्रिल होता है। इसमें फिक्स डिस्टेंस पे जाएंगे सारे के सारे सीड्स, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो करेंगे और उनको स्पेस मिलेगा अच्छे से ग्रो करने के लिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारी सॉइल के साथ में, तो ये सारा का सारा हमारी सीड ड्रिल जो हमारे टूल होता है उससे हमें फायदा मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा सोइंग कि हम सोइंग कैसे करें, बट हमारा जो थर्ड प्रैक्टिस आती है इसमें वो हो गया हमारी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो अब हमने क्या किया, हमने अच्छे से सॉइल को भी प्रिपेयर कर दिया, उसमें हमने सीड्स भी डाल दिए, सीड्स डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो थर्ड प्रैक्टिस है इसमें हमें सॉइल के अंदर कुछ मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना होता है। अब ये क्यों ऐड करना होता है, क्वेश्चन बनता है ऑब्वियसली, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि हमारा जो मैन्योर है या फर्टिलाइजर्स है वो होते क्या है। तो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ nutrients for the healthy growth of plants are called manure or fertilizers। मतलब कि nutrients जो soil में डाले जाते हैं, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई nutrients क्यों डाले जाते हैं, तो देखो ये हमने class 6th में भी पढ़ा था, ये हमने class 7th में भी पढ़ा था कि जो plants होते हैं, plants soil से water ही नहीं लेते, water के अलावा बहुत सारे दूसरे minerals भी लेते हैं, nutrients भी लेते हैं, है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए हैं तो क्या कहाँ से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं। बट आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे कि हमने पढ़ा कि खरीफ एक क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है, लेकिन जब फार्मर्स क्या करते हैं कि एक क्रॉप हार्वेस्टिंग कर ली, मतलब एक क्रॉप को कट कर दिया, काटने के बाद में तुरंत उसमें दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, फिर उसके बाद तीसरी, फिर चौथी, बिल्कुल भी बीच में सॉइल को टाइम नहीं मिलता। अब सॉइल को बीच में हम लोग बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं अपने आप के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऐड करने का, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में जो सॉइल है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। अब सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कैसे देगा, ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए या तो फिर हमें क्या करना होता है, एक रोटेशन हमें यूज़ करनी होती है, वो भी अभी हम देखेंगे। बट इसके अलावा अगर हम बाहर से भी चाहें तो न्यूट्रिएंट्स हम सॉइल में ऐड कर सकते हैं। तो वही जो हम लोग बाहर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं तो उसको ही हम या तो फिर मैन्योर बोलते हैं या फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये दो अलग अलग नाम क्यों, भाई न्यूट्रिएंट्स तो ऐड कर रहे हैं तो हमने दो अलग अलग नेम
क्यों दे रखे हैं। तो हम लोग एक बार मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में देख लेते हैं कि ये अलग अलग नाम इनके क्यों दिए गए, इनका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स भी क्या होता है। फर्टिलाइजर भी जो सॉइल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है और मैन्योर भी करता है न्यूट्रिएंट्स ऐड सॉइल में, बट दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है। तो फर्स्ट इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जैसे कि हर चीज कुछ केमिकल से मिलकर के बनी होती है, या तो फिर ऑर्गेनिक होती है इनऑर्गेनिक होती है, तो जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स से मिलकर के बनाया जाता है, जैसे कि हमारा फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से मिलकर के बना हुआ होता है हमारा फर्टिलाइजर। और ये जो है एक तरीके से इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है जो कि हम लोग ऐड करते हैं अपने सॉइल में, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। बट जो मैन्योर होता है ना, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, इसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किए जाते हैं, इसमें जो भी है हम लोग नेचुरल सब्सटेंसेस ही यूज करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग पढ़ा था, तो जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है उसमें हम लोग क्या करते थे कि वहाँ पर हम लोग रेड वॉर्म्स लेते थे, रेड वॉर्म्स को हम लोग मैन्योर बनाने के लिए यूज़ करते थे। वहाँ पर सॉइल ली, काउ डंग लिया, बहुत सारा ह्यूमस लिया, बहुत सारे मतलब अलग अलग टाइप के जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो सारी लेकर के उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर यूज़ करके, और वहाँ पर जो मिट्टी हमें मिलती, जो सॉइल मिलती थी, वही मैन्योर होती थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो वही हो गया, मैन्योर भी वही चीज़ हो गई, उसी को हम लोग मैन्योर बोलते हैं। इसीलिए हमने बोला भी है मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट। ठीक है, यहाँ पर हम मैंने कैटल डंग ही लिखा था। कैटल जो डंग होता है तो उससे, और इसके अलावा प्लांट जो होते हैं उनसे जो भी चीज़ें ऐसी बनती हैं वो सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं एज अ मैन्योर। इसीलिए पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, और इसके अलावा इसको हम आराम से डिकम्पोज कर सकते हैं। ये वाली जो चीज़ होती है ये डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इको फ्रेंडली भी होता है मैन्योर हमारे लिए। इसीलिए हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि मैन्योर ही यूज़ करना चाहिए हमें अपने क्रॉप्स में इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट आता है हमारा, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। ऑब्वियसली जब कोई केमिकल्स बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं। इसीलिए जो हमारा फर्टिलाइजर होता है वो भी कहाँ पर बनता है? वो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। बट जैसे हमने वर्मी कंपोस्टिंग में पढ़ा था ना कि छोटा सा हमने ब्लॉक ले लिया था, उसमें हमने वॉर्म्स डाल दिए थे, रेड वॉर्म्स, और वहीं पर ही हमने मैन्योर तैयार कर लिया था बाई यूजिंग काउ डंग एंड जो भी चीज़ें थी उससे। तो वैसे ही हम मैन्योर जो है वो हम कोई भी फील्ड जो होती है ना, फार्मर्स की जो फील्ड होती है वहीं पर भी तैयार कर सकते हैं। इवन हम लोग अपने घरों की जो छत होती है वहाँ पर भी छोटा सा एक ब्लॉक लेकर के वहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड आता है हमारा, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वही जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं सूखे हुए, या तो फिर डेड एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, इंसेक्ट होते हैं ना, या बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे के सारे जब उनकी डेड बॉडीज जो होती हैं मरने के बाद में, वो क्या सारे के सारे कहाँ जा रही हैं? वो सब की सब सॉइल में जा रही हैं, तो उसी को ही हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी ह्यूमस नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉस्फोरस यूज़ कर रहे हैं, पोटेशियम यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं, बट मैन्योर में वो सारा ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पॉइंट यही है, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। नेक्स्ट आता है हमारा, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, कोई चीज़ स्पेशली बनाई इसीलिए जा रही है कि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके, है ना, तो कुछ केमिकल्स ऐसे बनाए जा रहे हैं तो ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, तो भाई अच्छे से ही बनाए जाएंगे ऑब्वियसली। इसीलिए फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है। बट जो मैन्योर होते हैं तो वो फर्टिलाइजर की कंपेयर में लेस रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में जो कि प्लांट्स को चाहिए। तो इसीलिए जो यही मेन एक रीज़न है कि हर तरीके से मैन्योर अच्छा होता है, हर तरीके से, बट फिर भी जो हमारे फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैन्योर यूज़ नहीं करते, क्योंकि
उनको क्या चाहिए, उनको यही चाहिए ना कि उनकी क्रॉप अच्छे से ग्रो करे, उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो अच्छे से ऑब्वियसली ग्रो करेगी। तो अच्छे से ग्रो करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किससे मिल रहा है, फर्टिलाइजर से मिल रहा है, इसीलिए वो फर्टिलाइजर यूज़ करना प्रीफर करते हैं। बट हर तरीके से मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मैन्योर हर तरीके से अच्छा होता है, हमारे इको फ्रेंडली भी होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, कोई केमिकल्स भी नहीं जाते क्रॉप्स में, तो उसके लिए भी हमारी हेल्दी बॉडी के लिए भी वो ज़रूरी होता है। इसके अलावा भी कुछ और भी एडवांटेजेस हैं मैन्योर के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गए कुछ हमारे एडवांटेजेस। पहली बात तो डिसएडवांटेज हम लोग फर्टिलाइजर का देख ले, तो उसमें फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो यही है वो केमिकल्स से बनते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई उसमें कि क्योंकि वो केमिकल्स फैक्ट्रीज से बनते हैं तो वो सारा का सारा कहाँ जाता है, नॉर्मली वो जो हमारी रिवर्स होती हैं या फिर जो वाटर बॉडीज होती हैं उसमें जाता है, तो उसको क्या है वाटर पोल्यूशन भी करता है और इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन भी करता है। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स को क्रॉप में डालते हैं तो ऐसा तो नहीं सारा का सारा क्रॉप में ही जा रहा है, कुछ ज़मीन में भी जाता है, तो वो उसको भी क्या कर रहा है ख़राब कर रहा है। ज़मीन में ऑब्वियसली जाएगा तो ख़राब तो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जब वो वॉश आउट होता है, रेनी सीज़न होता है, उसमें जब वॉश होता है वो पानी कहाँ जाता है, वो भी वाटर बॉडीज़ में जाता है, जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, कुछ भी जो भी आसपास रहेंगे, तो उसको भी वाटर पॉल्यूशन वहाँ पर भी कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, हमें ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग मैन्योर यूज़ करें। कुछ एडवांटेजेस भी हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा मैन्योर का एडवांटेज, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो सॉइल होता है ना, सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा देता है। ऑब्वियसली जब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हमें इरिगेशन, जो कि हम आगे के अभी हम पढ़ने वाले टॉपिक में, तो इरिगेशन मतलब जहाँ पर पानी, हमें सभी प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको वाटर चाहिए, तो वो उसको होल्ड करके रखता है, तो कम वाटर में ही अच्छे से प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इट मेक्स द सॉइल पोरस। हम लोगों ने देखा था जो हमारा वर्मी कंपोस्टिंग था उसमें, या फिर लास्ट वाली वीडियो में जहाँ पर मैंने बताया था कि जो एयरी बना देते हैं थोड़ा सा सॉइल को, तो ये पोरस बना देता है। पोरस क्या होता है, आराम से बिल्कुल जो मिट्टी होती है वो एकदम टाइट बंधी हुई नहीं होती है, थोड़ी सी खुली हुई सी मिट्टी और ढीली मिट्टी होती है, लूज, ठीक है, लूज सॉइल कर देता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो गैसेज हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज होगा उतने ही जो रूट्स हैं, रूट्स को भी ब्रीथ करने का ब्रीथ करते हैं अच्छे से, तभी वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और जो रूट्स में बहुत सारे ऐसे जो माइक्रोब्स हैं वो रहते हैं, वो ब्रीद करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं। क्योंकि प्लांट्स में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, रिजोबियम वगैरह होते हैं, वो भी हम देखेंगे उसको भी, तो वो भी अच्छे से ब्रीद करेंगे तो वो भी प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो पोरस हमारे लिए जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अच्छे से हो जाता है। पोरस मतलब वही है कि थोड़ी सी लूज हो जाती है मिट्टी और वो अच्छे से जो गैसेस है उनका एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा एडवांटेज हो गया। थर्ड हो गया, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स सबसे अच्छा फ्रेंड फार्मर्स का क्या होता है, वो हमारा रहता है जो वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं। अब जो देखो जो गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से होता है तो अर्थ वॉर्म्स भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं उसमें। अब केमिकल्स होंगे तो ऑब्वियसली अर्थ वॉर्म्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर जब मैन्योर होता है, मैन्योर के केस में हमारे जो अर्थ वॉर्म्स हो गए या फिर जो दूसरे छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं वो भी क्या करते हैं अच्छे से ग्रो करते हैं, तो वो भी उस हमारे लिए अच्छा है। सेकंड, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर अच्छा कर देता है, मतलब कि कुछ सॉइल ऐसे होते हैं जहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जहाँ पर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो वो टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है। अब सॉइल में आप मैन्योर डाल रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हो जो सॉइल के पर्पज से और प्लांट्स के पर्पज से बहुत अच्छे हैं, जैसे काउ डंग डाल रहे हो, डेड एनिमल्स जो हैं वो डाल रहे हो, या तो फिर जो ड्राई लीव्स हैं वो डाल रहे हो, तो वो उसका जो टेक्सचर है वो अच्छा होता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जो ये ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि जब भी हमें यूज़ करना चाहिए फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल की, तो हमें मैन्योर को यूज़ करना चाहिए, पहला मेथड। दूसरी चीज़, हम एक टर्म यहाँ पर आता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है,
क्रॉप रोटेशन टर्म क्या होता है, या तो फिर हमें सेकंड मेथड ये यूज करना चाहिए। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया मैन्योर वाला, सेकंड हो गया हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि पहले के जो फार्मर्स थे वो नॉर्मली क्या करते थे कि भाई एक टाइम में तो उन्होंने वीट ग्रो कर ली, अब जब वीट को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो उन्होंने सारे प्लांट से सॉरी सॉइल से ले लिए। अब जब उनकी कटिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, तो उसके बाद में जब फील्ड खाली हो गई ना, तो वो तुरंत क्या करते थे, दूसरा जो क्रॉप है उसको नहीं लगाते थे, उसके सीड्स नहीं सो करते थे, उसकी जगह पे वो लेग्यूम्स लगाते थे। कुछ फलियां वगैरह आती हैं ना ऐसे घरों में, सब्जियां वगैरह फलियां जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, तो वो लेग्यूम्स वगैरह लगाते थे। तो जो ऐसे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं उसमें रिजोबियम बैक्टीरिया रहता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना रिजोबियम का, ठीक है। तो ये जो रिजोबियम बैक्टीरिया होता है ना, तो ये बहुत अच्छा एक सोर्स होता है जो हमारी पूरी एटमॉस्फेयर है ना, इसमें नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और हमारे प्लांट्स होते हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो इसको ये बैलेंस करके रखता है रिजोबियम बैक्टीरिया। तो ये कहाँ रहता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो लेग्यूम्स हम लोग उगाते हैं उनकी रूट्स में रहता है। तो एक सीजन में तो हो गया क्या हो गया हमारा वीट हो गया, फिर उसके बाद में हमने जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं फलियां वगैरह होती हैं उसको हमने उगा दिया, तो क्या है ना बीच में थोड़ा सा उनको टाइम मिल गया, रोटेशन मिल गया कि ऐसी एक फसल उगाई जहां पर तो जो न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके बाद में जो दूसरी फसल उगाई उसमें वो वाले न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उसमें कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को। तो क्या है ना कि अच्छे से बैलेंस हो गया ना कि वीट में मान लो वीट में कुछ और चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में जो हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए उसमें क्या कुछ और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो बैलेंस बना के रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी को ही हम लोग क्रॉप रोटेशन बोलते हैं कि हमें चेक करके क्रॉप को ग्रो करना चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो हमने पहले क्रॉप ग्रो करी थी वही वाले न्यूट्रिएंट्स इस वाली क्रॉप को भी चाहिए, तो अगर दोनों सेम रहेंगे तो फिर वही बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा अगर हम ध्यान रखेंगे तब भी हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो या तो फिर मैन्योर ऐड करो या तो फिर क्रॉप रोटेशन हम लोग कर सकते हैं, जो फार्मर्स हमारे वो कर सकते हैं, तो ये रिकमेंडेड है ना। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड प्रैक्टिस, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब इसके बाद में हमने मैन्योर ऐड कर लिया, फर्टिलाइजर ऐड कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ हमारी प्रैक्टिस आती है इरीगेशन। मतलब पानी तो सबको चाहिए ही है ऑब्वियसली, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इरीगेशन कैसे करेंगे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, अब हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है इरीगेशन। जैसे कि अब हमने एडिंग मैन्योर वाला तो पढ़ लिया, उसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए है ना। अब क्या है, वाटर को पानी भी चाहिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो वैसे ही जो प्लांट्स हैं वो भी बिना वाटर के ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होगा, जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन ड्राई कंडीशन में नहीं हो सकता, उसके लिए उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसीलिए पानी होता है जो कि प्लांट्स को चाहिए होता है, और प्लांट्स में काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी वैसे भी होता ही है। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से लेते हैं, ठीक है ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में कैसे जाते हैं, पहले वो वाटर के साथ में ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद में वो जो ऊपर तक जो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स वो वाटर के साथ में ही जाते हैं, तो इसलिए भी वाटर की हमें रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और उसको फुलफिल करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार में पानी डाल दिया और पूरी बात ख़त्म है, वो हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है, वाटरिंग कर थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े टाइम के बाद में वाटर डालना पड़ता है प्लांट्स के अंदर, हमारे क्रॉप्स को देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसके एक बार जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज इरीगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। देख लो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल, एक बार थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद में इसमें वाटरिंग करना जरूरी होती है, रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन, ठीक है। अब इरीगेशन जो होता है उसका जो टाइम होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली उसमें जो वाटर है वो हमें डालना है, पानी हमें देना है, तो वो और टाइम, कितने टाइम के लिए हमें पानी देना, ये दोनों ही चीज़ें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। एक तो क्रॉप, हर ज़रूरी नहीं है कि हर क्रॉप को एक जैसा पानी चाहिए, जैसे कि जो पैडी होता है, पैडी जो क्रॉप होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बट वीट को इतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वीट में कम पानी डालते हैं, कम इरीगेशन होता है, बट जो पैडी की जो क्रॉप होती है उसमें ज़्यादा इरीगेशन होता है, तो ये क्रॉप टू भी डिपेंड करता है।
दूसरी चीज सॉइल टू सॉइल पे करते हैं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था कि सॉइल जो होती है किसी का टेक्सचर काफी अच्छा होता है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, तो उसमें हमें कम पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं, टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो उस केस में हमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। तो सॉइल टू सॉइल भी डिपेंड करता है। थर्ड हमारा आता है सीजन टू सीजन, कौन से सीजन में हम पानी दे रहे हैं। जैसे कि समर सीजन होता है तो समर सीजन में वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा ज्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें समर सीजन में ज्यादा जो इरिगेशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, विंटर सीजन में कम होती है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, इस पर हमारा जो इरिगेशन है वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो बेसिकली हमारे इरिगेशन कहाँ से होगा, पानी कहाँ से आएगा, कुछ सोर्सेज हमारे कहाँ एलिवेटेड सोर्सेज होते हैं हमारे वाटर के, जैसे कि वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, तो इनके थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो हमारे क्रॉप है उनको इरिगेशन वहां पर होता है। ठीक है ना, तो इसके कुछ ऐसा तो है नहीं हम जाएंगे और जा करके स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर को, ऐसा नहीं करेंगे। कोई तो सोर्सेस होंगे, कुछ तो ऐसे टूल्स बने होंगे, कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग इरिगेशन करेंगे। तो हम वो इरिगेशन के मेथड देख लेते हैं एज यूजुअल, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक मॉडर्न मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और मॉडर्न में कौन कौन से होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया यहाँ पर और मॉडर्न मेथड हो गया। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो हम पुराने टाइम में जो मेथड्स यूज करते थे इरिगेशन के, वो कुछ हम मेथड सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा मोट, जो पुली सिस्टम होता है। इसमें क्या है ना, वेल होता था, वेल से हम लोग एक पुली होता है ना, उसको हम उसकी हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते थे। एक बार मैं कोशिश कर रही हूँ इसको आपको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की। लेट सपोज ये मेरा वेल है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मान लो ये तो हो गया मेरा वेल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेट सपोज यहाँ पर मेरी एक पुली लगी है, ये तो हो गई मेरी वही बकेट, और इसके बाद में एक रोप यहाँ पर गई है। अब मैं इसको अगर खींचूंगी रोप को तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। अगर मैं रोप को इधर साइड छोड़ दूंगी तो ये कहाँ जाएगी, बकेट नीचे की साइड जाएगी। तो हम लोग ऐसे खींचते हैं, आपने देखा होगा पिक्चर्स में पुरानी होती है तो उसमें से खींचते हैं ना, तो बकेट नीचे जाती है ऊपर जाती है, तो कुछ उस टाइप का ही रहेगा ये। तो इसमें क्या होगा, ये होता है हमारा पुली, एक ऊपर वाला किस तरीके का दिख रहा है, पुली दिख रहा है ना हमें, तो ये पुली सिस्टम होता है पूरा का पूरा, जिसको हम लोग मोट बोलते हैं। अब ये कैसे इरिगेशन करता है कि जैसे ये पानी ऊपर आया बकेट से, तो मान लो ये मेरी फील्ड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सोर्स बना देंगे वाटर का। पानी यहाँ पे, ये बकेट को इसको वापस यहाँ पे पलटा और ये पानी कहाँ चला गया, ये इस फील्ड में चला गया, और इस फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक्स बना देंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और उन ब्लॉक्स के थ्रू क्या होगा, पानी धीरे धीरे पूरे के पूरे इस ऐसे छोटी छोटी नालियाँ टाइप की जो होती है ना वो बना दी, और उससे पूरे के पूरे जो फील्ड है वहां पर पानी हमारा चला जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग जो पानी है वो वाटरिंग कर सकते हैं पूरे हम लोग फील्ड। ओके, सेकंड हमारा आता है चेन सिस्टम। चेन सिस्टम में भी हमें वही करना है कि हमारा ये जैसे वेल होगी, इसमें भी हम लोग बकेट ही लगा रहे हैं, पुली ही लगेगा ऊपर, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे, इसमें हमने एक चेन लगा दी आगे। ठीक है, और वो चेन क्या कर रही है, चेन को हम लोग दूर से ही ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हमें पास जाने की जरूरत नहीं है, वो चेन को हम लोग इजीली दूर से ड्रॉ कर लेंगे, तो वो चेन सिस्टम हो गया। सो नॉर्मली जो पुली होता है ना, पुली सिस्टम होता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चेन सिस्टम में भी वही होगा, वही क्या होगा, एक यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे जो कि फील्ड में जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आते हैं हमारे देखली। देखली में क्या होगा, उसमें हम लोग ये चेन नहीं लगाएंगे, ना तो कोई रोप यूज करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये हमारी बकेट है ना, तो हमने यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का प्लांट जो हो या तो फिर कुछ भी हमने लकड़ी वकड़ी का कुछ लगा दिया, और हमने बीच में हमने यहाँ पर एक कुछ लकड़ी का लगा दिया। ठीक है, इसके सपोर्ट में ये वाई शेप का रहेगा, जिसके सपोर्ट में जिसके ऊपर रखा है ना, ये वाई शेप का रहेगा। जब हम इसको नीचे की तरफ झुकाएंगे ना, तो ये पानी ऊपर की तरफ आएगा, और वही जो पुराना मेथड है, पानी फिर इधर हम लोग बकेट को उल्टा कर देंगे और फिर कहाँ चला जाएगा, फील्ड में चला जाएगा।
ये तो हो गया हमारा डेली सिस्टम। राहत सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एनिमल यूज करते हैं, जैसे ये तो सारे के सारे हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं ना, बाय यूजिंग ह्यूमन बीइंग्स। बट जो राहत सिस्टम होता है, जिसको हम लिवर सिस्टम भी बोलते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है कि ये आपने देखा होगा इस टाइप का हमारा, मान लो ये वेल है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ना बहुत छोटी छोटी सी बकेट्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, ये पूरी एक गोल सी चेन होगी जो हमारी कहाँ पर फिट होगी, एक वेल में, ये हमारी बड़ी सी जो मैंने वेल बनाई है तो यहाँ पर होगी, और बीच में क्या होगा ना, ये छोटी छोटी सी यहाँ पर अटैच होगी बकेट्स, ठीक है। अब ये बकेट क्या करेंगे, जैसे ही पानी अंदर से लाएंगी, और ये इतनी बड़ी होती है कि जो पानी की जो डेप्थ होती है, मान लो यहाँ तक वाटर है, तो ये वाटर तक बिल्कुल नीचे तक जाती है जहां तक पानी की डेप्थ होगी, और ये इसको क्या करेंगे, पानी को लेंगी, फिर ऊपर आएंगी, ऊपर आने के बाद में ये वाटर कहाँ, यहाँ पर उड़ेल देंगे, यहाँ पर चला जाएगा वाटर, ठीक है, यहाँ पर वाटर चला जाएगा और ये एक नाली सा बना देंगे और उसके थ्रू फील्ड में चला जाएगा। तो उस टाइप का पूरा हमारा सिस्टम रहता है, जिसमें हम लोग जो राहत होता है, राहत के केस में हम लोग यूज करते हैं। बट ये सारे के सारे इसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा, एक तो वाटर की जो होती है ना, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या है ना कि इसमें या तो फिर हम लोग ऑक्स वगैरह यूज करते हैं, या तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा इसमें मेहनत पड़ जाती है, जो हम लोग इरिगेशन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। बट हम इसी को ही ओवरकम करने के लिए हम लोग आज का जो यूज करते हैं वो मॉडर्न मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, एंड सेकेंड हो गया हमारा ड्रिप सिस्टम। इसमें भी कुछ दोनों में चेंजेस हैं, वो क्या चेंजेस हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हो गया ये मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कैसा होगा, स्प्रिंकल करता है वाटर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो पार्क होते हैं या फिर घरों में लॉन्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर वाटर को स्प्रिंकल करवाया जाता है। बिल्कुल ये ऐसे फील करता है जैसे बारिश हो रही है, रेन जैसे होती है ना, वैसे ही ये प्लांट्स पर गिरता है, स्प्रिंकल करता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये हमारा वेल है, यहाँ पर क्या है मोटर यूज होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जरूरी होती है। जो मॉडर्न जितने भी मेथड ये दोनों ही है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे घरों में भी जो क्या होता है, पंप लगे हुए होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये वाटर को ड्रॉ करती है वेल से, ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर जो एक मेन पाइप रहता है, ये तो ड्रॉ करती है वाटर, इधर आ गया, इधर इसके बाद में ये मेन पाइप रहेगा, जिस मेन पाइप के थ्रू क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, ये रोटेटिंग नोजल्स होते हैं इसके ऊपर लगे हुए, तो अलग अलग ये परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, और इनमें सब में सप्लाई हो जाता है इस मेन पाइप से वाटर का, और ये स्प्रिंकल होना स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मली उन एरिया में ज्यादा अच्छा काम करता है जहाँ पर जो सॉइल होती है वो एक तरीके से लेवल में नहीं होती, ऊपर नीचे होती है, तो क्योंकि ये नीचे ड्रिप की तरह नीचे काम नहीं करते, ऊपर से ही स्प्रिंकल करते हैं, तो इसलिए उन एरिया में इसको ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और रोटेटिंग नोजल्स तो होते हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आराम से बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, टैप की तरह ही होते हैं नॉर्मली, इसको हम टैप ऑफ करते हैं, टैप ऑन करते हैं, वैसे ही यूज में ले सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, कह लो क्योंकि ड्रॉबैक है, वो क्या है कि जब ये स्प्रिंकल करते हैं ऊपर से बरसते हैं, ठीक है, तो आधा से ज्यादा जो वाटर होता है वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ज्यादा ऐसे जो एरिया होते हैं जहाँ पर पानी की कमी है या फिर पानी अवेलेबल ज्यादा नहीं होता है, तो उस एरिया में ये ठीक नहीं रहते, क्योंकि आधा पानी तो वैसे भी मुश्किल से तो पानी ऊपर आया है, और उसमें भी आधा पानी इवेपोरेट हो गया, क्योंकि ओपन में ही तो हो रहा है ना स्प्रिंकल, तो जितना पानी मिलना चाहिए उतना हमारी क्रॉप को वाटर नहीं मिल पा रहा है। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए एक नया जो टेक्निक है वो होती है हमारी ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, सेम यही सिस्टम रहता है, बस ये जो हमारे जो रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ना, जिसको हम स्प्रिंकलर भी बोलते हैं यहाँ पर, तो इन स्प्रिंकलर की जगह पे ये जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, मतलब ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करता है, जो हमारी प्लांट्स होती हैं प्लांट्स की रूट्स में चला जाता है, मतलब जैसे ड्रिप लगती है ना वैसे ही ये पाइप बिल्कुल अंदर जाते हैं, ऊपर नहीं दिखाई देते, जमीन के नीचे होते हैं, और जमीन के नीचे कहाँ, डायरेक्टली रूट से कनेक्ट होते हैं। तो
इसलिए ये एक तरीके से बूंद होते हैं उस एरिया में जहां पर पानी की कमी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इवेपोरेशन नहीं होने देते हैं पानी का, और जितना भी वाटर को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की डायरेक्टली रूट तक जाता है, क्योंकि रूट को ही चाहिए ना पानी भाई, एटमॉस्फेयर में थोड़ी चाहिए, बाहर थोड़ी चाहिए, कहाँ चाहिए, रूट में चाहिए, तो रूट तक डायरेक्टली वाटर को पहुंचा देते हैं, इन्हीं से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रिप सिस्टम इज फार बेटर देन स्प्रिंकलर सिस्टम। तो इस तरीके से कुछ मेथड्स को हम यूज करके हमारा जो वाटर है, सॉरी जो हमारा क्रॉप होता है वहां पर हम इरिगेशन करते हैं।